19 साल के लड़के को मिला सबसे बड़ा जॉब ऑफर, एक दिन की सैलरी 1,66,000 रुपए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी कई युवा बेरोजगार रह जाते हैं, मगर इस मामले में रचित अग्रवाल की कहानी सबसे जुदा और युवा पीढ़ी को प्रेरित करने वाली है। रचित अग्रवाल वो शख्स है जिसे 6 करोड़ सालाना पैकेज की नौकरी मिली है, वो भी पढ़ाई खत्म होने के साथ ही। संभवतया रचित अग्रवाल राजस्थान का वो पहला युवा है इसे इतनी तगड़ी तनख्वाह वाली जॉब ऑफर हुई है। बता दें कि रचित अग्रवाल राजस्थान के कोटा शहर का शक्ति नगर निवासी व्यवसायी राजेश अग्रवाल व संगीत अग्रवाल का बेटा है। इनके पिता कोटा में फूड पैकेजिंग का काम करते हैं। बेटे को 6 करोड़ सालाना यानी कि 50 लाख रुपए महीना की नौकरी मिलने पर खुशी का माहौल है। यह वेतन प्रतिदिन 1,66,000 रुपए बैठता है। पहले कोटा फिर US से पढ़ाई करोड़ों की नौकरी पाने वाले रचित अग्रवाल की शुरुआती शिक्षा कोटा के ही निजी स्कूल से हुई। इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी करते समय रचित ने US के विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। ठानी और स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, जो एक स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है। इसके जरिए US के कॉलेजों में दाखिला मिलता है। बता दें स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट पास करने के बाद रचित अग्रवाल को 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली, जिसमें उन्होंने आर्लिंगटन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में दाखिला लिया और कंप्यूटर साइंस के साथ इकोनॉमिक्स और दर्शन शास्त्र इसके लिए 4 साल तक न्यूनतम मार्क्स मेंटेन करने होते थे। पढ़ाई के दौरान रचित ने कई कोडिंग प्रतियोगिताएं भी जीती। रचित ने US में पढ़ाई के दौरान 3 स्टार्टअप शुरू किए, उनमें से 2 के लिए धन जुटाया और प्रमुख क्रिप्टो कंपनियों में कुल मिलाकर 5 इंटर्नशिप की। रचित की पढ़ाई इसी साल मई में पूरी हुई। डिग्री मिलने पर उन्होंने कई कंपनियों में जॉब के लिए आवेदन किया। एक बड़ी कंपनी ने इन्हें नेगोशिएशन के बाद सालाना $8,00,000 करीब 6 करोड़ रुपए की जॉब ऑफर की है। बता दें कि US मल्टीनेशनल कंपनी में रचित अग्रवाल सॉफ्टवेयर कोडिंग टीम का हिस्सा होंगे। ऑफर लेटर मिल चुका है। कंपनी की पॉलिसी की वजह से कंपनी का नाम सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। रचित कंपनी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, अगले माह ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही और रोचक स्टोरी जानने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।